इस देश में एक बहस चलती है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को थोड़ी देर साइड रख, लेकिन हिंदुओं का भी तो राष्ट्र है, इसकी तो बात ही नहीं होती थी। इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं, दूसरे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है इस देश के संसाधनों पर, यह बता दिया करते थे प्रधानमंत्री। फिर एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने इस बात में शर्म महसूस नहीं की बताने में कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, और नरेंद्र मोदी ने 8 साल में वो किया। लेकिन जो हिंदू संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया, आज जरा उसकी डिटेल आपको बताता हूं, फिर आऊंगा इस महाकाल कॉरिडोर पर। कि अगर आप देखेंगे पीएम मोदी के 8 साल, और उन 8 साल में क्या क्या हुआ है हिंदू आस्था के लिए, कौन कौन से सेंटर हैं, एक हो गया उज्जैन महाकाल जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। किसी ने सोचा नहीं था कि किस तरह से वहां पर यह हो भी सकता है, नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। इसका पहला चरण अभी पूरा हुआ है। उसके बाद है वाराणसी, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा, वहां भी मैं गया था, आपको डिटेल में जानकारी दिखाई थी। तीसरा है केदारनाथ। केदारनाथ ऐसा तबाह हुआ, बर्बाद हुआ कि लगा कि अब कभी बस नहीं पाएगा, लेकिन उस केदारनाथ में आज आप जाइए तो देखिए तो लगता है कि बाप रे बाप, गजब ही पलट गई है काया। फिर है बद्रीनाथ, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पर्सनली, आपको कई बार दिखाया है न्यूज में, मैंने पर्सनली देखा है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, जाके चेक किया है कि ठीक से काम हो रहा है। फिर गुजरात में सोमनाथ पड़ता है, सोमनाथ मंदिर, जिसको कई बार तहस नहस करने की कोशिश की आक्रांताओं ने, लेकिन ये डिगा नहीं, और वो कैसे नरेंद्र मोदी ने वहां काम किया। गुजरात में ही छठा है द्वारका धाम, इस द्वारका धाम के लिए भी नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं, इसको भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गुजरात में है पावागढ़, वो पावागढ़ का इतिहास, उसका चैप्टर मैंने आपको पाठशाला में बताया है, वहां पे कालिका मंदिर है, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। मथुरा वृंदावन सर्किट पर काम चल रहा है, मथुरा और वृंदावन सर्किट, ये भी बहुत तेजी से काम इस पर चल रहा है। और उससे भी बड़ा 9वां नंबर देखिए, अयोध्या, जिसका 50% काम जो है वो पूरा हो गया है, दिसंबर 2023 तक ये बन जाएगा। हिमाचल में 10वां चिंतापूर्णी मंदिर, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई लेकिन इस पर भी नरेंद्र मोदी ने खास ध्यान दिया। आंध्र प्रदेश सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश में इसके लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस पर काम किया, ये इस मंदिर पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 12, J&K के 15 मंदिर, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती लेकिन जम्मू कश्मीर में करीब 15 मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है। श्रीनगर में रघुनाथ मंदिर 180 साल पुराना है। कुल मिलाकर 24 राज्यों में 37 धार्मिक प्रोजेक्ट हैं जिनमें 15 पूरे हो चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी ने बीते 8 साल में हिंदुओं का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको पुनर्स्थापित किया, और सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये धर्म की बात है, संस्कृति की बात है, ये इकोनॉमी की भी बात है। जब ऐसे कॉरिडोर बनते हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, पर्यटन बढ़ता है, जिसे तीर्थाटन भी कहते हैं। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे।